हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल YTG ग्रुप पर। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड, कि कैसे वैल्यू एडेड मेथड के प्रयोग से हम नेशनल इनकम को फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड से ग्रोस वैल्यू एडेड एट MP निकालना, यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना। तो स्टूडेंट्स, ग्रोस वैल्यू एडेड एट MP का फार्मूला जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल्स अपने आप में कंप्लीट होती है, चेंज इन स्टॉक दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वहीं IC की फुल फॉर्म होती है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो आइए स्टूडेंट्स, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडिड एट MP, यानी कि हमें GVA MP निकालना है। तो जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिया गया है कि GVA MP निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सेल्स, तो यहाँ हमें सेल्स दी गई है 90। आप देख सकते हैं सेल्स हमें दी गई है 90। उसके बाद हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक। जैसा कि आपको बताया है कि चेंज इन स्टॉक का फार्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 25 और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 15। तो क्लोजिंग स्टॉक 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10 होता है। और वहीं सबसे लास्ट में हमें चाहिए इंटरमीडिएट कंजप्शन, जिसे हमें माइनस करना है, जो कि हमें दिया गया है 40। अकॉर्डिंगली ग्रोस वैल्यू एडिड की वैल्यू बैठती है 90 प्लस 10 माइनस 40। 90 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100, 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60। तो ग्रोस वैल्यू एडिड एट MP इज इक्वल्स टू होता है 60। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपके किसी काम की हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।